जय हिंद। इस वीडियो में लोग विशेष इन्फोटेक, जिसको MPS इन्फोटेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 1.05 रुपये, उसको इस कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेक कर दिया और अब और नीचे जा रहा है। तो इस वीडियो में लोग समझेंगे कि अब आगे की स्थिति क्या रह सकती है, क्या हम इसके इस शेयर को बेच के निकल जाना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए, और कहीं यह शेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे रहा है इसमें बाई करने के लिए। सभी सवालों का जवाब एकदम आसान भाषा में इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, विशेष इन्फोटेक्निक्स कह लीजिए या MPS इन्फोटेक्निक्स कॉलेज, दोनों एक ही नाम है, काम दोनों का एक ही है। देखिए आज के दिन का इसका शेयर प्राइस है 90 पैसा, और आज हालांकि ओपन हुआ थे 95 पैसा पर, और इसने दिन भर में 1 रुपये का हाई भी बनाया। लगा कि 1.05 रुपये के लेवल को फिर पार कर जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 1 रुपये से और डाउन होकर 95 पैसा तक आया, और फिर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 90 पैसा तक आ गया है। अब यहाँ समझेंगे, इसका जो सपोर्ट लेवल था 1.05 रुपये का था, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, क्योंकि शेयर प्राइस डाउन होकर जब 1.05 रुपये तक आया था इसके पहले, तो फिर वहीं से उठा था। लेकिन इस बार जब डाउन हुआ तो इसको ब्रेक कर दिया 1.05 रुपये को और नीचे चला गया। अब दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 70 पैसा का, डर है कि कहीं इस कंपनी का शेयर प्राइस 70 पैसा तक ना आ जाए। अगर 70 पैसा तक आया तो बहुत संभावना है कि 70 पैसा को भी ब्रेक कर देगा, तब इस कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है 20-30 पैसा के, अपना जो जहां से उठना शुरू हुआ था वहां तक जा सकता है। तो ये एक चिंता की बात है। अब समझिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं Q4 के रिजल्ट आने का, क्योंकि हम जानते हैं कि Q3 के नतीजे जब इसके आए थे और बहुत अच्छे आए थे, उसी के बदौलत इस स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर तक गया था। लगभग देखेंगे तो 1.75 रुपये तक इसने हाई बना लिया था। इसीलिए बहुत से लोग Q4 का रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि कहीं Q4 का रिजल्ट इस बार भी अच्छा आता है तो स्टॉक का प्राइस फिर बढ़ेगा। और यहाँ पर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे तफसील से बात करेंगे। फिलहाल समझिए कि जैसा मैंने बताया, हाई लगा चुका है 1.75 रुपये का, इसी साल जनवरी में लगाया था। अब समझिए, जनवरी से लेकर अभी अप्रैल चल रहा है, लगभग 3 माह हो गया, 3 माह से स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे ही जा रहा है। और आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस डाउन नहीं जा रहा है, शेयर प्राइस नीचे गया फिर सपोर्ट लेकर उठा, फिर नीचे गया फिर सपोर्ट लेकर उठा, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो डाउन ट्रेंड में ये नीचे ही जा रहा है। अब यहाँ समझिए, एक सप्ताह में कुछ कमा के नहीं दिया है, एक माह में भी कुछ कमा के नहीं दिया है, एक माह का इसका जो रिटर्न है निगेटिव में है 20%, और एक सप्ताह का रिटर्न देखिए निगेटिव में है 17% के आसपास। तो ये बात आप यहाँ समझिए कि एक माह में यह शेयर जितना टूटा है, अब वह एक सप्ताह में ही उतना टूटने लगा है, मतलब अब शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से काफ़ी जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत चिंता की बात है। दूसरी बात देखेंगे तो जहाँ से अपना हाई लगाया था 1.75 रुपये का, अगर वहाँ से देखें तो लगभग 50% स्टॉक टूट चुका है, जबकि अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं उनका शेयर प्राइस बढ़ता है, सब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और बढ़ने के बाद थोड़ा सा डाउन भी जाता है, लेकिन सामान्यतः 20-25-30% डाउन जाता है, 50% किसी कंपनी का स्टॉक नहीं टूटता है, वो पेनी स्टॉक में ऐसा देखने को मिलता है। तो पेनी स्टॉक में कुछ भी आश्चर्यजनक रूप से हो सकता है, इसमें कोई चिंता या आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहाँ समझेंगे, वॉल्यूम देखेंगे तो एक एक दिन में 10-12 करोड़ वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ये तेजी देखने को मिल रही है, और उसमें भी देखेंगे तो 50% डिलीवरी के साथ शेयर खरीदा जा रहा है, लेकिन पेनी स्टॉक में कम से कम अगर यह डिलीवरी का 80% होता तो ज़्यादा फायदेमंद होता, तब जाके सस्टेन करता। जो शेयर ट्रेड हो रहा है उसमें सेल करने वाले लोग अधिक हैं और बाई करने वाले लोग कम हैं। अगर तुरंत कोई इसमें बल्क डील देखने को मिले, यानी कि बाई करने वाले लोग अधिक हो जाएं, अभी देखेंगे तो आज के दिन बता रहा हूँ सिर्फ 35% लोग बाई कर रहे हैं, जबकि देखेंगे 64% लोग सेल करने के लिए हैं। तो अगर बाइंग करने वाले लोग सेलिंग करने वाले लोग से अधिक हो जाए तो तुरंत शेयर प्राइस कम से कम ऊपर नहीं जाएगा तो फिलहाल कुछ दिन तक ठहर तो जरूर जाएगा यहीं पर, और अगर शेयर प्राइस ठहर जाएगा तो फिर धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ समझिए, इस कंपनी के ऊपर कर्जा है 25 करोड़ 15 लाख का, कर्जा कुछ ज़्यादा नहीं क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन वो भी 350 करोड़ से ऊपर की है, तो कर्जा का चिंता नहीं है क्योंकि इसके पास रिजर्व भी देखेंगे तो 62 करोड़ 46 लाख का रिजर्व है, तो कंपनी जब चाहे अपने कर्जे को चुका सकती है, इसीलिए इसका जो बुक वैल्यू वो भी पॉजिटिव में है। अब अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास तो Q4 का रिजल्ट भी आया नहीं, सिर्फ Q3 तक का डाटा अवेलेबल है। तो देखिए Q3 में इस कंपनी का रेवेन्यू Q2 में था 13 लाख का, जो बढ़कर Q3 में हो गया 94 लाख का, मतलब जबरदस्त सेल्स हुआ था Q3 में, और जब रेवेन्यू बढ़ा था तो प्रॉफिट भी देखिए, हालांकि कंपनी तब प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में थी और अभी एक लॉस मेकिंग ही कंपनी है, लेकिन लॉस कम हुआ है। Q2 में इसको 1.30 करोड़ का लॉस था, जो Q3 में देखेंगे तो कम कर सिर्फ 43 लाख तक ही रह गया है। अब अगर Q4 का रिजल्ट आता है तो उम्मीद है कि इस जो लॉस है यह भी पॉजिटिव में हो गया रहेगा, यानी कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है यह प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कहलाएगी। इसीलिए Q4 के रिजल्ट आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, खासकर जो इसके शेयर होल्डर्स हैं और ऑपरेटर्स को भी, क्योंकि यहां पर जब रिजल्ट अच्छा आया था तो ऑपरेटर्स ही थे जो इस कंपनी के स्टॉक को शेयर प्राइस को बढ़ाकर ऊपर तक ले गए थे। एक बार फिर रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर ऑपरेटर्स
इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाकर ऊपर ले जाएंगे। इसलिए अगर भले अभी शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन अभी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, हमें क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने का इंतजार करना चाहिए। इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 1.95%, लेकिन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार कम होते जा रही है। पिछले 6 माह में देखेंगे तो इस प्रमोटर्स ने 20.52% की हिस्सेदारी अपनी सेल की है, यानी कि बेची है। पब्लिक के पास मैक्सिमम शेयर्स पड़ा हुआ है, तो जब किसी कंपनी में प्रमोटर्स कम हो, पब्लिक अधिक हो, तो आसानी से ऑपरेटर्स उसमें अपना गेम खेल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने तक इंतजार कीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो निश्चित ही इसके जो ऑपरेटर्स हैं, जो भी लोग हैं, शेयर प्राइस को लेकर ऊपर जाएंगे। अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो शेयर प्राइस ऊपर तो जाने से रहा, आप अगर निकलना चाहते हैं तो उसके बाद निकल जाएगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तब। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसमें कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।